एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप आप सब लोग एकदम बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो आज मेरे व्लॉग की शुरुआत हो रही है मम्मी के नए घर से और सुबह सुबह का टाइम है, मॉर्निंग के बज रहे हैं 7:45 और नक्श स्कूल जाने को रेडी हो गया है। आज नक्श नानी के नए घर से स्कूल जाएगा। यहाँ से उसका स्कूल थोड़ा लंबा है लेकिन तो हमें 1/2 घंटा पहले निकलना पड़ेगा। और ये हैं मेरे नाना जी जो न्यूज़पेपर पढ़ते हुए चाय का आनंद ले रहे हैं। और मम्मी तो किचन में काम करती रहती है तो मम्मी काम कर रही हैं। तो फ्रेंड्स अभी मुझे निकलना है नक्श को स्कूल लेके जाने के लिए। मशीन में मैंने कपड़े वॉश करने के लिए लगा दिए हैं, मेरे आने तक ये वॉश हो भी जाएगी तो मैं इनको ऊपर डाल दूँगी। तो अब हम स्कूल जा रहे हैं नक्श को छोड़ने, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना मैं नक्श को स्कूल छोड़ के आने के बाद नाना जी के लिए दूध लेने आई हूँ। जैसे कि नाना जी ने ना यहाँ पे इनके घर से दूध लगाया हुआ है। मेरे नाना जी को दूध का बहुत शौक़ है, कुछ सिर्फ दूध ही ऐसी चीज़ है जिसका वो मन से पीते हैं। तो उनको ना दूध में एकदम प्योरिटी चाहिए। तो यहाँ पे इन्होंने घर में अपने गाय भैंस पाले हुए हैं तो नाना जी ने यहाँ से दूध लगाया हुआ है। और जब मैं यहाँ पे आई ना तो यहाँ पे इनके पास देखिए गोट्स भी हैं और यहाँ पे देखिए मुर्गी कुत्ते बकरी सब हैं यहाँ पे। और उधर पीछे उनके गाय भैंस भी हैं। तो देखिए मुर्गियाँ किस तरह से घूम रही हैं, वो इनका डॉगी बता है, एक डॉगी ये बता है सामने, और सामने दो बकरी है। और गाइस यहाँ पे ना मेरी मम्मी दूध लेके आ गई हैं, ले लिया। तो फ्रेंड्स यहाँ पे नक्श स्कूल से आ गए और स्कूल से आने के बाद चेंज करके हम वापस जा रहे हैं मम्मी के नए घर। तो अभी हम स्कूटी में हैं, नाउ आई एम स्टार्टिंग माय स्कूटी एंड वी आर गोइंग। और फ्रेंड्स हम लोग वहाँ इसको स्कूल लेने गई थी, मैं स्कूल लेके जैसे कि मैं अपने रूम पे भी गई हुई थी और मतलब मैं हल्द्वानी गई थी फिर से, और वहाँ से मैं वापस दोबारा से मम्मी के नए घर पे आ चुकी हूँ। और यहाँ पे नाना जी बैठे हुए हैं, देख रहे हैं फ़ोन में रामायण और टीवी में इनके भागवत चले हुए हैं। तो अभी हम बैठे हुए हैं और हमने आके खाना भी खा लिया है। और फ्रेंड्स यहाँ पे मेरी मम्मी यहीं पे चाय बना के ले आई है। नक्श पीछे को आवा, और नक्श के लिए दूध भी आया है तो नक्श को शायद भूख लग गई है, नक्श देख रहा है। और ये देखिए तो अब हम लोग यहाँ पे चाय पीते हैं। तो गाइस अब यहाँ पे हम लोग सब चाय पी रहे हैं। चाय का आनंद लेते हुए नाना जी यहाँ पे हैं। हेलो और गाइज अब ना हमारा यहाँ से जाने का समय आ गया है। और देखिए नक्श हैंड्स डाउन नक्श यहाँ पे रेडी हो गया है जाने के लिए। तो और नाना नानी का ना बिल्कुल मन नहीं हो रहा है कि हम लोग यहाँ से जाएं, बोल रहे हैं कि यहीं रहो यहीं रहो, कल सुबह चले जाना। मैंने बोला उसका स्कूल है तो कह रही कि सुबह सुबह चले जाना यहाँ से। फिर मम्मी ने भी बोला कि नवरात्रि है, बहुत सारे काम करने होते हैं पहले, तो कह रही हैं कि कल सुबह चले जाना सुबह चले जाना, पर मम्मी नहीं मानी। मैं तो कुछ कह नहीं पाई, कैसे मना करो बुढ़े बाड्ढों को। तो मेरे से तो मना कराई नहीं गया, लेकिन मम्मी ने बोला कि नहीं मैं तब भी परसों फिर आ जाऊंगी, लेकिन अभी तो मुझे जाना ही पड़ेगा। तो अब हम फाइनली जा रहे हैं और नाना नानी का बिल्कुल मन नहीं है कि हम यहाँ से जाएँ। तो अभी हम उनसे मिलने जाते हैं और फिर आपको रिएक्शन दिखाऊँगी उनका। और फ्रेंड्स इसको ना स्कूटी चलाने का शौक हो रहा है, मेरे हाथ से हेलमेट लेके बैठ गया है कि मैं स्कूटी चलाऊंगा। ओफो अदा देखिए इनकी, चश्मे से काला काला दिख रहा है तो वो चश्मे ऐसे करके देख रहा है। अपना शरीर पर ध्यान दे रहा था तो फिर कोई मतलब नहीं है। मैंने बोला शाम को अंधेरा हो जाता है, मेरा गला भर आता है, अकेले यहाँ हो जाती हूँ पागल, जाओ अभी घूम के आओ जरा। उठो ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, ऐसे बता तो कल लगा लो, इधर खेली जाती है अभी जब भी देखना। उठो तो कौन सा गाना गा रहे थे, गाओ गाओ हाँ? गाना गाओ। चश्मा लगा के माना बन गए जनाब हीरो,
रहे पढ़ाई या लिखाई में तो जीरो जीरो, 16 लगा के माना बन गए जनाब हीरो। रहे पढ़ाई या लिखाई में तो जीरो जीरो, माना दिलेर भी हो शेरों का शेर भी हो, बुरा न मानो तो कह दो कि बटेर भी हो। माना दिलेर भी हो शेरों का शेर भी हो, बुरा न मानो तो कह दो कि बटेर भी हो। चश्मा लगा के माना बन गए हम जनाब हीरो, रहे पढ़ाई या लिखाई में तो जीरो जीरो। तो गाइज ये गाना ना नाना जी नक्श का चश्मा पहना हुआ देख के गा रहे हैं। और अब नाना जी इवनिंग वॉक पे जाने के लिए रेडी हो। इसी भरी दुनिया में कोई भी हमारा न हुआ, गैर तो गैर सही अपनों का सहारा न हुआ। लोग रो रो के भी इस दुनिया में जी लेते हैं, एक हम भी हैं हंसे भी तो गुजारा न हुआ। तो गाइस हमारे नाना जी जो पुराने टाइम के सिंगर भी हैं, उनकी आवाज देखिए। ये कुदरत जाना जरा बदमाशी है, जरा बहुत बदमाश है। कितना सुंदर गाना गाया ना आपने, आवाज भी कितनी अच्छी है। आप सांस फूल जा रही गाने। आप ज्यादा घूमना मैं यहीं पर घूमो, ठीक है। कल चमन था आज एक शहर, ये गाना गाइस हमारे जाने के उसमें गाया जा रहा है। देखते क्या हुआ कल चमन था, कल चमन था मतलब कि कल हम यहाँ थे तो चमन था। मुझको बर्बादी का कोई गम नहीं है, गम है बर्बादी का फिर क्यों चर्चा हुआ। कल चमन था, मुझको बर्बादी का कोई गम नहीं है, गम है बर्बादी का फिर क्यों चर्चा हुआ। तो गाइस यहाँ पे अब हम लोग जा रहे हैं, तो मिलती हूँ आपसे हल्द्वानी पहुँच के। मेरा घर मुझे है कितनी जगह मेरा। हेलो गाइस अब हम जा रहे हैं अपने बाबू है मेरा, वहाँ नवरात्रि की तैयारी करनी है, परसों से नवरात्रि है। चलो वहाँ बाय। हाँ प्रणाम भाई। हाँ भाई चाबी आपके वहाँ है और ज़्यादा देर दूर मत घूमना, यहीं पर घूमो, ठीक है। बाय। और फ्रेंड्स यहाँ पे अब हम लोग पहुँच गए हैं घर, मम्मी के नए वाले घर से हम पुराने वाले घर पे आ गए हैं हल्द्वानी पे। और मैं भी जैसे कि आज यहीं रह रही हूँ क्योंकि नक्श के पापा ऑफिस में लेट हो गए थे, तो वो वहीं से अपने घर चले जाएंगे और हम रुक रहे हैं यहीं मम्मी के साथ, मम्मी के पुराने घर पे। तो अब चेंज करती हूँ मैं, और चेंज करने के बाद फिर देखते हैं क्या खाते हैं पीते हैं, अभी देखते हैं, तो फिर मिलती हूँ आपसे। और फ्रेंड्स यहाँ पे अब हम लोग खाना वाना सब कुछ खा चुके हैं, खाना खाने के बाद अब सोने का टाइम हो गया है। नक्श को बहुत नींद आ रही है तो वो तो सो भी चुका है यहाँ पे। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर मेरा व्लॉग पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह आप मेरे आने वाले व्लॉग्स आगे भी देख सकें। मीट यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन बाय बाय।